हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यू के चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के बाद तो मैं भी मानता हूँ कि मैं चाहूँ तो इस चैनल से अब संन्यास ले सकता हूँ। एंड लगता नहीं है कि इस वीडियो के बाद कोई भी मेरा वीडियो या कोई भी आगे के मेरे वीडियोज देखना पसंद करेगा, क्योंकि लोगों को यही तो चाहिए था। तो जो मैं आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं लेकिन पूरे 16 तरीके बताने वाला हूँ यूके में पीआर लेने के। तो बाय द वे ये वीडियो का पार्ट वन है और पार्ट टू तभी रिलीज होगा जब आप एक मेरा काम करेंगे। इस वीडियो पे मुझे फटाफट 50 लाइक्स चाहिए। तो एनीवेज, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पीआर को जो है, या कहेंगे पीआर रिलेटेड वीजाज जो है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, फैमिली, जॉब और बिजनेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फैमिली वीजा पर। तो अंडर फैमिली कैटेगरी सबसे पहला वीजा है स्पाउस वीजा या पार्टनर वीजा। तो अगर आपका पार्टनर जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है या ब्रिटिश आईएलआर उसके पास है, तो आप भी यहाँ पर पीआर ले सकते हैं। तो इस वीजा में होगा ये कि आपको इनिशियली जो है वो 30 महीने का वीजा ग्रांट किया जाएगा, एंड ये वीजा जो है वो फर्दर 30 महीने के लिए एक्सटेंडेबल हो सकता है। तो इस तरह से आपको यूके में जो है वो 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगा। अब इसकी कंडीशन ये है कि आपको एम्बेसी को प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ जेन्युइन रिलेशन में है। दूसरी वीजा कैटेगरी है अनमैरिड पार्टनर वीजा, तो इसको हम हमारी भाषा में लिव इन भी बोल लेते हैं। तो अगर आप किसी के साथ यहाँ पर लिव इन में रहते हैं तो भी आप यहाँ पर पीआर ले सकते हैं। अगेन कंडीशंस वही है जो पार्टनर वीजा की थी, कि आपका पार्टनर जो है वो या तो ब्रिटिश हो या उसके पास ब्रिटिश पीआर हो। एंड सेम थिंग, आपको अगेन 30 महीने के लिए ही वीजा जो है वो पहले मिलेगा, जो आप 5 साल तक एक्सटेंड कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम तो 2 साल तो अपने पार्टनर के साथ रहना ही पड़ेगा, और उसके प्रूफ भी जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका कॉमन यूटिलिटी बिल्स, या आपके नाम पर जो मकान हो या कोई भी है लेकिन वो जॉइंट अकाउंट है, या जो भी है वो आपको दिखाना पड़ेगा, एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा। और इन दोनों ही वीजा में आप सेम सेक्स के पार्टनर के साथ भी रह सकते हैं। फिर तीसरा वीजा है फैमिली वीजा। तो इस वीजा में जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, शर्त इतना ही है कि आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव जो है, या आपका किसी भी तरह का कोई ब्लड रिलेटिव जो है, वो यूके में प्रेजेंट होना चाहिए और उसका भी यहाँ पर सिटीजनशिप या पीआर हो। इसकी एक और कंडीशन ये है कि आप इस वीजा को विद इन द यूके अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंडिया, आपको यूके के बाहर से ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके या तो बच्चे यूके में रहते हैं जो ब्रिटिश सिटीजन या ब्रिटिश पीआर मिल चुका है जिनको, या फिर आपके फादर मदर या फिर दादा दादी या कोई भी इस तरह के क्लोज रिलेटिव जो है जो यहाँ पर रहते हैं, तो उनका जो भी डिपेंडेंट होगा वो इस वीजा पर आ सकता है। बस आपको यही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका उनके साथ रिश्ता जो है वो जेन्युइन है। तो बाकी इसकी भी चीजें हैं वो सेम ही है। अगेन पहले आपको 2.5 साल यानी कि 30 महीने का वीजा मिलेगा, और अगर आप इसी वीजा पे 5 साल रह लिए तो आपको पीआर भी मिल जाएगा। बट जो लोग भी बोलते हैं कि आप यूके में अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते हैं, ये एक ही कैटेगरी है जिसके अंडर आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुला सकते हैं और उनको यहाँ पर रख सकते हैं, वरना दूसरा कोई भी वीजा यहाँ पर नहीं है जो पेरेंट्स को यहाँ पर रहने की किसी भी तरह की परमिशन देता है। चौथा वीजा पीआर बाय चाइल्ड बर्थ। तो पिछले कई सालों में ये एक सबसे बड़ा मिथ जो है वो यूके मार्केट में घूमा है, वो यही है कि भाई बस यहाँ पर आओ, बच्चा पैदा कर लो तो आपको यूके का पीआर मिल जाएगा। ये सरासर गलत है। अगर बच्चे का बाप या माँ दो में से एक कोई भी ब्रिटिश है या ब्रिटिश पीआर होल्डर है, तो ही उस बच्चे को एंड आपको भी सिटीजनशिप या कहेंगे पीआर मिलेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपको किसी बच्चे का बाप या माँ बनना है ना, तो ये पूरी कोशिश करिएगा कि उसका बायोलॉजिकल पेरेंट जो है वो ब्रिटिश हो। तो आगे अगर आप कोई भी वीडियो देखे जो ये बोलता हो कि यहाँ चले जाओ और बच्चे पैदा करते रहो और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ना पीआर मिलेगा ना सिटीजनशिप मिलेगी। एंड पांचवा और आखिरी वीजा जो फैमिली कैटेगरी में से आएगा वो है यूके एंसेस्ट्री वीजा। तो अगर आपके कोई बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए थे और आप किसी भी तरह से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके एंसेस्टर जो है वो ब्रिटिश थे, तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। या फिर अगर आपका कोई भूला बिछड़ा, कोई गोरा भाई बहन यहाँ पर रहता हो, पुरानी हिंदी फिल्मों जैसा, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर है तब भी ये वीजा आपको मिल सकता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 2022 में तो ये वीजा तो मुझे नहीं लगता क्या अभी एप्लीकेबल होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई लगता है आपको कि यहाँ कोई आपका कुछ बसा हुआ था पहले कोई, तो आप चाहें तो इस वीजा के अंडर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें भी सेम ही चीजें हैं, पहले 30 महीने का वीजा मिलेगा जो और आगे 30 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप, और बाकी 5 साल बाद पीआर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे फैमिली कैटेगरी।
अब बात करते हैं कि बिजनेस कैटेगरी के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बिजनेस कैटेगरी का सबसे पहला वीजा है इन्वेस्टर वीजा। तो इस वीजा के अंदर आपको जो है वो यूके बेस्ड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना रहेगा, या फिर आप चाहें तो किसी गवर्नमेंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो कोई किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 2 मिलियन पाउंड की करनी पड़ेगी। इसमें जो है आपको इनिशियली जो है 3 साल 4 महीने का वीजा मिलेगा, जो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, और इसी बीच में आप चाहें तो 3 साल बाद भी पीआर क्लेम कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब इसमें जो पीआर की कंडीशन रखी है वो इस तरह से रखी है कि अगर आप 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पीआर जो है वो 5 साल बाद मिलेगा, अगर आप 5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पीआर जो है वो 3 साल बाद मिलेगा, और अगर आप 10 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पीआर जो है वो 2 साल में मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बिजनेस कैटेगरी में दूसरा वीजा है इनोवेटर वीजा, इसी को एंटरप्रेन्योर वीजा भी बोलते हैं। तो इसमें जो है आपको मिनिमम 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी, प्लस आपको अपना बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट बॉडी या एंडोर्सिंग बॉडी से अप्रूव कराना रहेगा, एंड वो अगर अप्रूव कर लेते हैं तो आप इस वीजा पे एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर इस वीजा पे आप यहाँ पर आ गए तो आप यहाँ पर 3 साल बाद जो है वो पीआर क्लेम कर। लेकिन इस वीजा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप किसी भी दूसरी जगह पे जॉब नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ही काम करना पड़ेगा, और इसकी जो अपडेट है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो टाइम बाय टाइम सबमिट करते रहना पड़ेगा, इसकी प्रोग्रेस जो है वो दिखाते रहना पड़ेगा एम्बेसी को। तो बी वेरी केयरफुल कि अगर आपका एक श्योर शॉट बिजनेस है या आपको लगता है कि आप एक बिजनेस को यहाँ पर 3 साल तक प्रॉफिटेबली रन कर सकते हैं तभी इस वीजा के अंदर फॉल करिएगा, अदरवाइज ये वीजा में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपके पैसे भी खराब हो। बट ऑब्वियसली 50,000 पाउंड में कोई बिजनेस शुरू नहीं होगा यहाँ पे, ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की रकम है, इसके बाद बिजनेस के लिए तो आपको और भी रकम चाहिएगी। इसके बाद बिजनेस कैटेगरी का आखिरी वीजा है स्टार्टअप वीजा। तो इस वीजा में जो है आपको 1 पाउंड भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बस अपना बिजनेस आइडिया जो है वो सबमिट करना है गवर्नमेंट बॉडी को या एंडोर्सिंग बॉडी को, अगर उन्होंने आपका आइडिया अप्रूव कर दिया और अगर उनको लगा कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो इनोवेटिव है या कुछ स्टार्टअप की कैटेगरी के अंडर में आता है, तो आपको ग्रांट भी मिलेगी इस स्टार्टअप के अंदर, और आपको 2 साल का वीजा मिलेगा यहाँ पर जो आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता है, आपको किसी दूसरे वीजा में ही स्विच करना पड़ेगा, लेकिन आप स्टार्टअप वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इस वीजा के अंदर ना आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद सकते हैं, ना ही आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाने की बात कर सकते हैं। आपका बिजनेस जो है वो नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, एंड एंडोर्सिंग बॉडी की नजर में इनोवेटिव एंड वायबल होना चाहिए। अब अच्छी बात वीजा की है कि ये वीजा में आप चाहे उतनी जॉब कर सकते हैं, प्लस आप अपना बिजनेस पे भी काम कर सकते हैं, आप चाहे तो पार्ट टाइम जॉब करिए या कुछ भी करिए, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है जिसने इस वीजा को यूज करके यहाँ पर पीआर लिया था, उसने यही चीज करी थी कि उसने भाई स्टार्टअप वीजा से शुरुआत करी और बाद में वो इनोवेटर वीजा पे चला गया था, उसने फंडिंग का बंदोबस्त कर लिया था कहीं से भी 50,000 की, एंड आज उसने पीआर ले लिया है। तो 2 साल के बाद आपको यहाँ पर इनोवेटर वीजा में या इन्वेस्टर वीजा में शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर आपको टियर 2 या कुछ भी दूसरे जो भी ऑप्शन है उस पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट 1।